नमस्कार दोस्तों, मंत्री रमेश चंद्र में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पढ़ाई पर। कई बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि मेरी रैंक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो क्या किया जाए। उनके लिए एक बात कर जा रहा हूँ, उनके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपकी जितनी कैपेसिटी है, 10 घंटा, 20 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जो भी है, उतने घंटा पढ़ाई करो, लेकिन ईमानदारी से करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हो आप, मोबाइल चला रहे हो साथ में, नहीं। जितने दिन पढ़ाई कर रहे हो आप, जितने टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो आप, वो ईमानदारी से करो। अरे एक बात बताओ, आप जब आप सिक्रमा आए थे, आपके मम्मी पापा कोचिंग में एडमिशन करवाया था, किसी कोचिंग में एडमिशन करवाया था, आपके मम्मी पापा को क्या उम्मीद थी, क्या सपना था कि मेरा बच्चा IIT और PMT बनने जा रहा है, बनेगा। जितनी खुशी की बात है, जब आपका सिलेक्शन होगा, आपके घर वालों को पता लगेगा कि मेरा बच्चा एक IIT और PMT में चले गए, सिलेक्शन हो गया उनका, तो कितनी खुशी होगी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, इस चीज़ का, कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। खुशियों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, कि आपके माँ बाप कितने खुशी होंगे। लेकिन आपके माँ बाप के पास ये मैसेज आता है कि आपका बच्चा कोचिंग में नहीं आया, और आपके बच्चे के नंबर इतने बन रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा को क्या देते, कितना दुख होगा। तो उनको चेहरों को याद करो आप, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर प्लस में कितनी धूप पड़ती है, उसमें वो बाहर काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। कितनी रात, ठंडी रात में वो काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, कि मेरा बच्चा कैसे भी हो वो कामयाब बन जाए। और जब आपका मैसेज उनके पास आता है कि आपका बच्चा सिलेक्शन हो गया, आपका बच्चे का, कितनी खुशियां होती हैं उनको। आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना है, उनके साथ धोखा बिल्कुल भी नहीं करना। उन दोनों चेहरों को याद रखना है हमेशा, मम्मी और पापा को। जितनी पढ़ाई करनी हो ईमानदारी से करो आप, कंटिन्यू करना है इस पढ़ाई को। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई करी, दो दिन छोड़ दिया। कंटिन्यूटी पढ़ाई करनी है आपको, ईमानदारी से काम करना है। जब आप ईमानदारी से काम करोगे, अपने चैप्टर पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा उसको, उसमें जो डाउट आ गए उसको अंडरलाइन कर लिया, दूसरे दिन आप टीचर से पूछ लिया, तो डाउट क्लियर हो गया, वैसे आगे दूसरा चैप्टर आ गया, उसमें क्या दिक्कत आ रही है।